चलती है इस पट्टी के सहारे, और यहाँ पर भी अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, ये देखो दोस्तों, अब ये परसों करनाल डीसी ने मीटिंग ली थी, मैं डीसी करनाल ने सख्त निर्देश सभी एसडीएम को दिए थे, और सुरक्षा है रात के समय में, धुंध के समय में जो इस सफेद पट्टी है ना, इसको लेकर भी सभी को आदेश दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही कैसे बरत रहे हैं? जो आदेश इनको दिए गए हैं वो ये सफ़ेद पट्टी बनाने के लिए दिए गए हैं, ताकि रात के समय में जब धुंध पड़ती है तो ये सफ़ेद पट्टी के सहारे गाड़ियां चलती है। और अक्सर आपने देखा होगा जब ये सफ़ेद पट्टी कहीं से छोड़कर एक आगे लगाई जाती है तो उसका खामियाजा रात के समय में आप सबको भुगतना पड़ेगा, जो ये कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करूंगा, इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो बड़े अधिकारी हैं ये वीडियो उनके पास पहुंचे, और वो जल्द से जल्द जो ये दोनों पट्टी हैं, साइड की पट्टी हैं, इसे पूरा कवर करने के आदेश दें, क्योंकि यदि पट्टी कहीं से छूटी होगी तो हादसा कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। और एक जरा सी लापरवाही से, थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा के आए हैं, एक हादसे से एक युवक की मौत हो गई, और रात के समय में, धुंध के समय में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। दो गाड़ियां चलती है इस पट्टी के सहारे, और यहां पर भी अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं लापरवाही क्योंकि मैंने देखा है, मैं एक कई किलोमीटर तक की जो साइडें हैं वो ऐसे ही खाली पड़ी हैं, एक साइड बना के दी, एक साइड छोड़ के चले गए। वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अधिकारी हैं, अधिकारी से बातचीत करेंगे। ये शख्स हमारे साथ नेशनल हाईवे 709 ए से हमारे साथ जुड़ चुका है, और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारी से भी फोन किया है, उनसे बातचीत करें। भाई साहब, क्या नाम है अपना? सर, मेरा नाम जोगिंदर कुमार। जोगिंदर जी, थोड़ा इस साइड आ जी। हाँ जी सर। जो अधिकारियों ने आदेश दिए हैं आपको, जो इस सफेद पट्टी है दोनों साइड बनानी है, बिल्कुल सर, तो आप कहीं से बना रहे हैं, कहीं से छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सर ऐसा है, पहले जहाँ पे ज्यादा खराब हो वो बना रहे थे, अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं सर। कंटिन्यू करें ना, बिल्कुल सर। पीछे जो जींस साइड से आप आए हो? नहीं, यहीं से स्टार्ट किया है आपने, यहीं से? हाँ। और जींस साइड से किसने स्टार्ट किया है? जींस साइड का नहीं पता सर मेरे। नहीं, ये जो जींस रोड है, हमने आज ही काम स्टार्ट किया सर। आपने आज से? अच्छा, तो देखो दोस्तों, इस बार बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए रुका था क्योंकि मुझे कहीं और जाना था, तो मैं ये कह रहा हूँ इस भाई से भी, आप दोनों साइड बिल्कुल प्रॉपर बनाएं, ये नहीं कि आप 100 मीटर की बनाओगे आगे छोड़ दोगे, 100 मीटर की बनाओगे आगे छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। बिल्कुल सर, राजस्थान से टीम आई, ऐसा कभी नहीं होगा। कहाँ से? राजस्थान से? बिल्कुल राजस्थान से। तो ये क्या क्या मिलाते हो इसके अंदर? ये प्लास्टिक पाउडर है। अच्छा, प्लास्टिक पाउडर, और इस पे गिलास भी दे रहे पूरा। तो भाई दोस्त, ऐसा तो नहीं किया जो ठेका दे रखा हो यहाँ से लेके आगे तक किसी और के आगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको सारे को कंप्लीट करेंगे। असंत से, देखो मेरी बात सुनो, असंत से जो जींद रोड है ना, हाँ जी सर, वहाँ पर बिल्कुल लापरवाही से बनाई गई ये पट्टियाँ। नहीं सर, हमने दूसरी टीम बुला रखी। वो किसने बनाई पता है इसके बारे में? अच्छा, उसके बाद कम से कम 150 टीम चल रही है। अच्छा, तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा, असंत से जो जींद मार्ग है वहाँ पर जो ये पट्टियाँ बनाई गई हैं, उस पट्टियों में खामियां हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये साथी ही इस काम को कर रहे हैं, ये ठेका इनके पास होगा तो ये काम कर रहे हैं। अधिकारियों से अपील करूंगा, उसकी एक बार जाके चेकिंग जरूर करें, और जिसने भी ये काम किया है उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। BN24 से जुड़े रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे BN24। ये काम फिलहाल अच्छा है, और यदि आपने यहाँ इस साइड बनाई ऊपरली साइड छोड़ दी तो मैं ये वीडियो भी दिखाऊंगा फिर सारा बनाएंगे जी, क्योंकि ये धुंध के समय में इसके सारे चला जाता है, सफेद पट्टी के सारे, कोई लाइट दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सर, पूरा चमत्कारी है पट्टे में, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि रात के समय में ये चमकनी चाहिए दोस्त। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी के घर से कोई बंदा ना जाए, क्यों? तो ये भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरा काम करेंगे, कहीं से कोई लापरवाही हमारी तरफ से तो नहीं आएगी, जिसने भी किया है उसके ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। आज आप मौके पर आप भी बता सकते हैं कि काम कैसा है, आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है, बता सकते हैं ये फिलहाल ये बढ़िया है। तो मेरा मकसद ये था कि कहीं आप दूसरी साइड छोड़ के ना चले जाएं। नहीं सर, जैसे ये जब ये कम्प्लीट होगी ना, फिर आप पर साइड आओ, ये बीच वाले भी बनाओगे जो ये बीच वाले हैं? बीच वाले सारा कम्प्लीट कर रहे हैं ना।
तो दोस्तों ये भाई फिलहाल अपना काम अच्छा कर रहे हैं, और जिसने भी वो काम किया है असंत से जींद मार्ग पर उसकी एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। BN24 से जुड़े रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे BN24। नमस्कार।